और नाना आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी को इतिहास पसानी जो उनका नाम मंगेशकर पे लेकर जो सवाल है, तो ऐसे में अगर वो फ्लोर पे लोकसभा में या राज्यसभा में अगर झूठ कह रहे हैं, ऐसा अगर आप बार बार करते हो, ऐसा अगर आपका दावा है, तो इसके लिए क्या प्रावधान है उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करने का? क्योंकि संसद में झूठ नहीं कह सकते या फ्लोर में। अब आपने तो उनको कितने बार लोकसभा में, उसके भी क्लिप हम आने वाले दिनों में दिखाएंगे। अब जो झूठ बोलने का ही उन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट ले ही चुके हैं, देश का इतिहास भी झूठ बताने का, लोकसभा राज्यसभा में भी झूठ बोलने का, तो उनका वो जो काम हो चुका है, तो वो रोज रोज बोले। हमारे यहाँ एक कहावत है महाराष्ट्र में, जो रोज मरता है उसके लिए रोज रोते नहीं लोग। तो इसलिए रोज झूठ बोलने वाले के बारे में क्या बोल सकते हैं। कांग्रेस नहीं होती तो आज तुम जो देश की प्रॉपर्टी एक एक बेच रहे हो ना, तो देश बेचने के लिए तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। एकदम सिंपल और सीधा सवाल मैं उनको पूछना चाहता हूँ, इस साल के भी बजट में तुमने 4 प्रॉपर्टी और देश की बेचने को निकाली। हर बजट में देश बेच के तुम देश चला रहे हैं। जब अंग्रेज इस देश से गए थे तब इस देश के पास क्या था वो पहले इतिहास में उन्हें जाना चाहिए, क्योंकि ये तो जाएगी नहीं, क्योंकि ये तो ये विचारधारा अंग्रेजों के साथ थी। वो विचारधारा मोदी जी थे ऐसा मेरा कहना नहीं है, ये विचारधारा थी जो 50 साल लगे उनको पूरे, 60 साल लगे पूरे कि उनकी जो संस्थानें हैं उनके ऊपर तिरंगा फहराने के लिए 60 साल लगे। तो जो लोग देश की आज़ादी और देश की संविधानिक व्यवस्था को नहीं मानते, जो कांग्रेस ने इस देश के लिए बना के रखी, कांग्रेस ने इस देश की धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया, दुनिया में महासत्ता बनाने का काम किया, जनता को न्याय मिले इसके लिए जो सार्वजनिक उपक्रम जो कांग्रेस ने निर्माण किया, रेलवे से लेके सब तुम बेचने का काम आज कर रहे हो, तो ये कांग्रेस नहीं रहती तो ये तुमको बेचने के लिए कुछ नहीं रहता। और अंग्रेज पूरे देश में रहते और उनके तुम लोग और देश की जनता, वो तुम तो उनके साथ रहते लेकिन देश की जनता गुलाम बनकर पुनः इस देश में रहती, ये बात को अगर वो भूल जाते हैं तो वो उनका स्वभाव है। छत्रपतींचा विचार म्हणजे